गाइज इस वाले क्वेश्चन को देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, पीएफपी नंबर 2, और बड़ा इजी है। मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लिटरली समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि न्यूमेरिकल के अंदर कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करा दूँ। अब देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक आपसे कह रखा कैलकुलेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन आयरन प्लेट। देखो, एक आयरन की प्लेट है, उसके दोनों साइड पर टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है। तो लेट अस सपोज कि ये आयरन की एक प्लेट है, इसकी ये थिकनेस आपको दे रखी है। कितनी थिकनेस दे रखी है? 20 mm की है, ये 20 mm की है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई 20 mm। यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। तो आपके पास ये 20 mm थिकनेस दे रखी है आयरन प्लेट की। अब लेट अस सपोज कि इस वाले फेस का टेम्परेचर T1 है और इस वाले फेस का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस पूछा दोनों साइड का, बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन आयरन प्लेट 20 mm थिक। यहां तक बात पूरी हो गई। अब आगे देखिए, व्हेन हीट इज कंडक्टेड एट द रेट ऑफ 6×10^5 कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर इंटू कैलविन, नहीं सॉरी यहां तक हो गया, ये आपके पास हीट दे रखा है। हमसे क्या रखा? When the heat is conducted at the rate of, तो ये rate of flow दे रखा of heat का, तो आप कह सकते हैं rate of flow of heat ये आपको given है, ठीक है। तो जिसको आप Q/T कहते हो, कितना है ये? 6×10^5, और ये है कैलोरी पर मिनट, पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई, हमसे कह रहा K4 मेटल इज 0.2। यहाँ पर K की वैल्यू जो है, थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 0.2 कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर और पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी यूनिट है CGS में। तो एक काम करो, आप बाकी यूनिट को भी CGS में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो बाकी यूनिट को CGS में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? आपके पास यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दे रखा, कितना? Q/T दे रखा 6×10^5। एनर्जी तो कैलोरी में पहले से ही है, लेकिन ये मिनट है। क्या है ये? मिनट। आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। और दूसरा, अभी बहुत बड़ा खेल बाकी है इसी के अंदर, इसी को मैं वापस से लिख लेता हूँ। Q/T ये कितना है? 6×10^5। अब देखो, ऊपर तो कैलोरी है, नीचे है मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10^4 से मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, एक जीरो ये है और 10^5 ये है, तो 10^5 हो गए। 10^5 से 10^5 खत्म और 6 से 6 खत्म, तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ 1 कैलोरी पर सेकंड, सेकंड^-1 और सेंटीमीटर^-2, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास Q/T आ चुका है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? आपसे पूछा क्या टेम्परेचर डिफरेंस, सिंस वी नो दैट, आप एक चीज़ जानते हो, बड़ी क्लियरली एक चीज़ जानते हो, क्या? Q=, होता है KA∆T/X×T, ये होता है, ठीक है भाई। ये होता है आपके पास Q की वैल्यू। अब Q/T, अगर मैं T को डिवाइड में ले आऊँ तो ये Q/T मेरे पास आ जाएगा। तो Q/T की वैल्यू ये हो चुकी है। इसकी वैल्यू आपके पास है कितना? 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1। K की वैल्यू आपके पास है 0.2, आप 0.2 यहाँ रख दो। एरिया आपके पास है क्या? हाँ, एक चीज़ और, जब आप Q/T निकाल रहे थे तो ये एरिया के हिसाब से भी आएगा, इट मीन्स एरिया यहाँ से हट जाएगा। तो मैं प्रॉपर वे में इसको दिखा देता हूँ, तो ये आपके पास एरिया भी नीचे को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/80
और ये हो जाएगा आपके पास के डेल्टा टी अपॉन एक्स। तो ये इस पूरे की वैल्यू आपके पास ये है 1 कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, साफ दिखाई दे रहा है, यूनिट से पता लगा लिया आपने। तो ये आपके पास कितना है, ये है 1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें तो 1 आ चुका है के डेल्टा टी अपॉन एक्स, डेल्टा टी आपको चाहिए, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ये आपको चाहिए, ठीक है, निकाल देंगे डेल्टा टी। के की वैल्यू आपके पास है, बिल्कुल है, एक्स की वैल्यू आपके पास है, बिल्कुल है। तो बाकी पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आपके पास के डेल्टा टी अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आ चुकी है 1, आपसे डेल्टा टी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन के, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स आपको दे कितना रखा था 20 mm, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 20 mm है और 1 mm के अंदर होते हैं 10^-1 सेकेंड, सेंटीमीटर, सॉरी फॉर दैट, 20 mm था। इसको आप ये कह सकते हो 20 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के 10^-1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, तो 1 mm के अंदर 10^-1 सेंटीमीटर होगा। तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-1 से मल्टीप्लाई हो गया x की वैल्यू। k की वैल्यू आपके पास कितना, 0.2, ये आपके पास k की वैल्यू है। देखो पॉइंट हटेगा, पहले देखो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से काटोगे 20 को 10 बार चला जाएगा, तो 10 ये है, ये 10^-1, ये 10^1, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। तो डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया था, तो ये आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास आ चुका है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आप आंसर में भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपको रेट ऑफ हीट फ्लो दे रखा था उसके हिसाब से आप देख लोगे कि वैल्यू किस किस चीज़ की दे रखी है। तो आप यहाँ पर अगर ये कुछ इस तरह से कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके पास सब कुछ था, मेन फॉर्मूला आपके पास ये है, इम्पोर्टेंट है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर अटक जाओगे कैसे करना। तो ध्यान रहे आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद करना, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता है किस तरह से हो रही है, मेटल है तो एक तरफ से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ को भी वो हीट जाएगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए आपको रेट ऑफ हीट फ्लो दे रखा था, बस आपने उसी के हिसाब से बाकी सारा काम कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ।